ये कुछ एक लाइफ होती है कॉलेज स्टूडेंट की, यही ऊपर अप डाउन, हालत टाइट है, बहुत ज़्यादा हालत टाइट है। और हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, इनकी लैब अभी भी रह गई है। कोई दिखाता रहता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। आज 8 तारीख है, ट्यूसडे। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज, और सबसे पहले यार आज थोड़ा लेट हो गए हैं फिर से यार। एडिटिंग रात भर करते करते ना टाइम का पता नहीं चलता, और फिर नींद ऐसी खुलती है और एकदम से क्लास जाना पड़ता है। तो भाई जिनको लगता है लास्ट ईयर में क्लास नहीं होती, लास्ट ईयर में क्लास होती है। 7th सेम में आपके सब्जेक्ट होते हैं, 7th सेम में सब्जेक्ट होते हैं, 8th सेम में सब्जेक्ट नहीं होते। आज गला थोड़ा सा, माफ़ करिए, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है रात भर से, पता नहीं क्यों क्या हो गया है। पहले क्लास चलते हैं, ठीक है। गाइस हमारा अभी लैब ख़त्म हुई है, अभी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। गाइस आप लोग पूछ रहे थे ना कि फ्रेशर्स ब्लॉक क्या है, फ्रेशर्स ब्लॉक ये है आपका। तो ये आपका फ्रेशर्स का हॉस्टल है जो एम एस आई टी में आएंगे, और ये हमारा हॉस्टल तो गेट नंबर 10 से सीधा ये आपका फ्रेशर्स का हॉस्टल। तो गाइस हमारा एक और पार्सल आ गया है, एक और इक्विपमेंट आ गया है, बहुत अमेजिंग चीज़ें आने वाली चैनल पर, स्टे ट्यून्ड। तो देखें इसको। गाइस वापस से कॉलेज जा रहे हैं, फिर से एक और क्लास है, दिन की क्लास है, ठीक है। और अभी डिलीवरी लेने आए थे फ्लिपकार्ट पे, डिलीवरी ले ली है अपनी फ्लिपकार्ट पे, अभी घर पे रखा है। और अभी यार खाना भी नहीं खा पाया हूँ मैं तो, क्योंकि मैं डिलीवरी लेने आ गया था इधर, इधर ही सारा टाइम निकल गया, 10-15 मिनट है क्लास को। तो पहले क्लास जाते हैं, क्लासेस ख़त्म करते हैं, फिर आराम से बैठ के खाना खाएंगे, फिर आगे कुछ काम करेंगे। तो ये कुछ एक लाइफ होती है कॉलेज स्टूडेंट की। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, यही ऊपर अप डाउन चलता रहता बस। तो गाइस हमारी क्लास अब ख़त्म हो चुकी है पूरे दिन के बाद, हालत टाइट है, बहुत ज़्यादा हालत टाइट है। और अब मैं जाऊँगा फाइनली खाना खाने, मेरी मैच भी बंद हो गई है इस टाइम तक, तो देखो कहीं और देखना पड़ेगा खाना खाने। बट रमैया के आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने की, हम कहीं पे भी खा पी सकते हैं, बट बजट के अंदर होनी चाहिए। तो वो देखते हैं कहाँ खाने जाते हैं, आ जाओ। तो गाइस मैं प्रभात केतन, हम एक चीज़ बात कर रहे थे जो आपके साथ शेयर करनी है, कि स्कूल में हम 8-8, 9-9 पीरियड ले लेते थे, यहाँ 4 क्लासें होने में हमारी हालत ऐसी टेढ़ी सी हो जाती है। हम उस समय 40-45 मिनट के पीरियड होते थे स्कूल में, 8-8 पीरियड ले जाते थे, वो भी लंच के साथ। उसके बावजूद भी शाम को ट्यूशन क्लासेस चलती थी। स्कूल में हम ज़्यादा एक्टिव थे, कॉलेज में हम ज़्यादा सुस्ताते हैं ज़्यादा। मतलब 4 क्लासें एक लैब, या 2 क्लासें एक लैब, और हम पसर जाते हैं, बस घर जाकर पसर जाओ। ये थोड़ा अजीब है, मतलब हम जवान खून, उसके बावजूद भी हम कॉलेज में ज़्यादा सुस्ती कर लेते हैं, स्कूल में ज़्यादा एक्टिव थे अपन। ये बात तो फैक्ट है प्रभात, प्रभात कह रहा है यार, क्या बताऊँ। तो भाई आज हमारा फ्लिपकार्ट से ये पोर्ट आया था, इसके अंदर 4 USB हैं, 2 2.0 2.3 3 2.0 हैं, 1 3.0। अब मैंने ये क्यों मंगाया है, क्योंकि मेरे लैपटॉप एक ऐसा लाइट वेट लैपटॉप है, ऑफिस लैपटॉप है, जिसमें सिर्फ 1 या 2 USB पोर्ट्स हैं। तो जब भी आप ऐसा लैपटॉप ले रहे हैं तो कुछ एसेसरीज होती हैं जो आप ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक तो वायरलेस माउस ले लो, ठीक है, और एक ऐसा पोर्ट ले लो जो एक्सटेंडेबल पोर्ट ले लो, क्योंकि ये बड़ा काम का रहता है। आपको 3-4 चीज़ें कनेक्ट करनी है, आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, आपको माउस भी देखना है, आपको हेडफोन्स भी कनेक्ट करने हैं, और आपका अगर रिंग लाइट कुछ ऐसा सिस्टम है तो मेरे लिए बहुत काम का है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे पोर्ट्स और ऐसी एसेसरीज लेके रखो जो लैपटॉप की एक्सटेंडेबल एसेसरीज हो गई, एक SD कार्ड हो गया अगर आप शूट करते हो तो। तो भाई शाम हो गई और मैंने अभी अभी अपना असाइनमेंट ख़त्म करा है, वही है, ये देखा था ना पिछले व्लॉग में, वही है बस, ये ख़त्म कर रहे थे। और आज थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ये कॉलेज का काम अभी ख़त्म करा, फिर अभी शॉर्ट्स को हम अपलोड पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखते, हमारे शॉर्ट्स भी अपलोड होते रहते हैं, व्लॉग्स के अलावा हम इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, जिससे आपको एक होता है ना कि यार तुम ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए आप व्लॉग्स देख रहे हो, एंटरटेनमेंट मेरे को लगता है कि लॉन्ग फॉर्मेट में बहुत अच्छा चलता है, बट शॉर्ट फॉर्मेट में अगर आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देनी हो तो जो शॉर्ट्स सबसे अच्छा बेटर वे है टू कंसिडर है। तो जो भी मैं शॉर्ट्स डालता हूँ वो सारे AI टूल्स के रिगार्डिंग होते हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हो अगर आप शॉर्ट्स चेकआउट नहीं करते। तो अभी शॉर्ट्स डाल रहे थे और ये सारा काम अभी ख़त्म हो चुका है, फाइनली हमने सारा काम कर दिया है। और बस बीच में 1 घंटा सोए थे, खाना खाने का 1 घंटा सो गए थे, और अभी चल रहे हैं बाहर, थोड़ा सा टहल के आते हैं यार, 1-2 घंटा टहल ले,
नहीं तो ये चार दीवारी में हालत खराब हो जाती है। मतलब आप सिर्फ लगे रहते हो, देखो मैं टहल के आता हूँ, उसके बाद मैं वापस से लग जाता हूँ एडिटिंग में, 12 बजे से 2-3 बज जाता है अपलोड करते करते, थंबनेल बनाते बनाते, फिर उसको शेड्यूल करना पड़ता है, कभी कभी सुबह करना पड़ता है, समझो। बाहर चलते हैं। सब एक साथ मिल गए हैं। ये मोदी जी रेल फैक्ट्री में काम करके आए, इंटर्नशिप रेल फैक्ट्री में। गेट तो क्लियर है इनका। गाइस आज हमारे साथ है प्रभात, अनिकेत, ये सारे हमारे दोस्त लोग मैकेनिकल ब्रांच की। देख रहे हो इनकी सबसे पहले लगी प्लेसमेंट, इन्हीं को कैप्चर करें। इन्हीं को 9 लाख डॉलर, 9 लाख डॉलर। कॉलेज असल के बारे में बात कर रहा है, हमारी असल कितनी चल रही है। बस हवा निकल गई, दूर भागते हुए। अच्छा ये जो आप गेट देख रहे हो ना, ये आईएससी का गेट है, मतलब एनआईएस। इन्हीं में जा रहे अपना भी तो आपको पता होगा एमएस राइटी के पास आईएससी का एंट्रेंस है, तो आईएससी बिल्कुल जस्ट सटा हुआ है एमएस राइटी से। तो ये एनआईएस का गेट है, जो अंदर एनआईएस जो कैंपस है इसके अंदर से आईएससी कनेक्टेड है पूरा, तो डिफरेंट। और इसरो भी यहीं पास में है, इसरो का भी ऑफिस पास है। इसको सुन ना, इसको बोलो। हाँ बोलो। ये मास्टर्स करने जा रहा है। कौन मास्टर्स करने जा रहा है? ये फंड कर रहा है। अबे था ये फंड कर रहा है। आलोक आलोक कॉलेज मैकेनिकल ब्रांच कैसे, इजी है टफ है, तुम बताओ। लेना ही नहीं चाहिए, तो मतलब नहीं है लेना ही नहीं चाहिए। लेना ही नहीं चाहिए क्यों? डिग्री ले लो। टफ है, टफ है, इजी है, प्लेसमेंट नहीं है। बस प्लेसमेंट नहीं है, बाकी तो ब्रांच इजी है, बाकी ठीक है, बाकी ब्रांच हो जाएगी ना। अबे ब्रांच कैसी है तुम बस बता दो। सब सही, सब सही है, इसकी कर लेते हैं। अबे को बस एक चाहिए यार, ब्रांच वन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस मैं आप सबके अभी कमेंट को रिप्लाई कर रहा था और काफ़ी अच्छा लगा कि पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और मेरे को लगा था कि कहीं ना कहीं ऑडियंस मेरे को समझेगी, कुछ लोग नहीं समझेंगे, कुछ लोग कहेंगे आप वही चीज़ें डालो, बट यार मेरा अंदर से मन है व्लॉगिंग करने का और मैं 365 दिन व्लॉगिंग करने वाला हूँ, ठीक है। बीच में पॉडकास्ट मैं डालता रहूँगा, कॉमेडी के रिगार्डिंग वीडियोज डालूंगा, बट आई वॉन्ट टू से दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट कॉमेडी के, दिस इज़ अबाउट मी। बट गाइज जो आपने रिस्पॉन्स दिया, मुझे पता है जो लोग मेरे को प्यार करते हैं ना, जो लोग सही में प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और चैनल को देखते हैं मज़े से, उनने जो रिस्पॉन्स दिया व्लॉगिंग्स पे और मेरे व्लॉग्स पे, मज़ा आ गया, लिटरल मज़ा आ गया। और आई ओ देम, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसी ऑडियंस मेरे पास है, ठीक है। अब वो डरने वाली बात नहीं है कि ठीक है यार 2-3 सब्सक्राइबर कम होगा, बट मुझे इतना था वो लॉयल ऑडियंस मेरे पास है। रियली थैंक यू फॉर दिस, और आई होप मैं आपको ऐसी थोड़े छोटी छोटी अपनी छोटी छोटी खुशियों से एंटरटेन कर पाऊँ। और हर बार मैं व्लॉग को कुछ इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करता हूँ, नहीं भी होता, नॉर्मल व्लॉग भी होता है, तो प्लीज़ देखो, लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन आता है, चैनल इंक्रीज होता है और हम और बड़ी बड़ी चीज़ों में अप्रोच करेंगे लोगों को, अगर चैनल बढ़ा तो, ठीक है, और बड़े बड़े पॉडकास्ट भी लाएंगे। तो गाइस ये था हमारा पूरा दिन, दिन खत्म हो गया है भाई, काम बहुत था आज, लिटरल आज मैं थोड़ा थक गया, आज कॉलेज का काम ज़्यादा था, अपना कुछ काम ज़्यादा हो नहीं पाया, और बस ऐसे ही कभी कभार ऐसे थोड़े से हेक्टिक दिन जाते हैं, बट आप लोगों का प्यार, आप लोगों के कमेंट्स, मज़ा आ जाता पढ़ के, लिटरली हीलिंग होता वो दिन के लिए, जब आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ ना, तो मज़ा आता भाई, आई लव योर व्लॉग, मज़ा आता दिल, मेरा कहता दिन बन गया यार मेरा, अब आराम से चैन की नींद आएगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, देखते रहो, बाय बाय।